Good morning to all of you. Myself Vijay welcome you all once again in Biology at Fingertips with Vijay. My dear friends, we are discussing generation and production of nerve impulse. We have discussed the connection of the nerve impulse and generation and production of the nerve impulse along at, or we can say along non-myelinated axon. Now today we are going to discuss the generation and connection of the nerve impulse along myelinated nerve fiber and myelinated axon. पर इससे पहले कि मैं इसको डिस्कस करूं, मैं एक बार दोबारा myelinated axon को डिस्कशन में लाऊंगा. Within 2 to 3 minutes या 4 minutes we will discuss it, जिससे कि हमें continuity of topic बन जाए. Yesterday we have discussed, in the last class we have discussed that the membrane potential, polarized membrane potential, resting membrane potential, it is maintained with the help of sodium potassium pump. As sodium potassium pump, it will pump 3 sodium ion toward ECF and 2 potassium ion toward the cytoplasm or the exoplasm here. आप एक बार दोबारा मैं आपसे रिपीट करना चाहता हूं कि आप इस चीज से कहीं पजल ना हो कि हमने जो लास्ट टाइम किया था उसमें क्या किया था. हमने मेम्ब्रेन के ऊपर डिस्कस किया था. मैंने एक जनरलाइज पोटेंशियल या इंपल्स जनरेट किया था जो मसल्स के ऊपर या किसी और सेल के ऊपर जो जनरेट होता है. ओके, कार्डियक मसल के ऊपर, उसे आप हमने डिस्कस किया था और तब हमने इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस देखा था और उसमें हमने क्या किया था कि यहां ईसीएफ है, यहां पे साइटोप्लाज्म है. अब इसी को थोड़ा सा समझ में आया. हमने कहा था कि सोडियम आयन साइटोप्लाज्म से ईसीएफ की तरफ बाहर जाते हैं, 3 सोडियम आयन विल मूव आउटसाइड और ईसीएफ से 2 पोटेशियम आयन जो है वो कहां जाएंगे, साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे. कहा था ऐसा. पर यहां पे आप देख रहे हैं कि हमने यहां पे जो था वो प्लस चार्ज एक तरफ शो किया था और जो नेगेटिव चार्ज था, जो पॉजिटिव चार्ज था वो ईसीएफ के वाले फेस पे था और नेगेटिव चार्ज कहां था बेटा, साइटोप्लाज्मिक फेस पे था. किया था ना ऐसे हमने. पर यहां आप क्या देख रहे हैं, आप इससे पजल ना हो कि यहां पे प्लस माइनस, यहां पे प्लस माइनस, ये क्या चीज है. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जो नर्व एक्सॉन होता है, जो नर्व फाइबर है, वो सिलेंड्रिकल होता है. सिलेंड्रिकल ऐसे है वो, सिलेंड्रिकल. तो जो ईसीएफ है वो उसके चारों तरफ है. आप इस चीज को देखिए कि वो चारों तरफ है. इसीलिए मेम्ब्रेन तो वही है, न्यूक्लियोमेट इज, है ना. तो यहां पे भी पॉजिटिव होगा इसके बाद और यहां पे भी पॉजिटिव होगा और इंटीरियर साइड पे एक्सोप्लाज्म की तरफ को नेगेटिव चार्ज होगा. ये क्लियर है. और दूसरा हमने ये कहा कि रेस्टिंग पोटेंशियल जो सबसे पहले मेंटेन किया वो सोडियम पोटेशियम पंप ने एस्टेब्लिश किया, जो रेस्टिंग पोटेंशियल डिपोलराइजेशन से रिपोलराइजेशन करके और फिर दोबारा से पोलराइजेशन हुआ, उसमें जो मेंटेन किया उसमें रोल सोडियम पोटेशियम पंप का है. लेकिन फर्दर उसको मेंटेन करना, जैसे मैंने कहा था कि द मेंटेनेंस ऑफ द रेस्टिंग पोटेंशियल रिक्वायर मोर एनर्जी, कंज्यूम मोर एनर्जी देन द कंडक्शन ऑफ द वेव ऑफ डिपोलराइजेशन. इसमें ज्यादा एनर्जी लगती है. इसको मेंटेन करने के लिए मैं आपको बता दूं, जो रेस्टिंग न्यूरॉन या जो रेस्टिंग एक्सॉन या नर्व फाइबर की जो मेम्ब्रेन होती है या जो रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है, है ना. तो यहां पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका नाम न्यूरिलेमा है और जो साइटोप्लाज्म उसका नाम एक्सोप्लाज्म है. तो जो एक्सोप्लाज्म है और यहां पर जो न्यूरिलेमा है, अब देखें जो रेस्टिंग नर्व फाइबर होगा, जो पोलराइज्ड नर्व फाइबर होगा, उसकी जो मेम्ब्रेन है दैट इज परमीएबल फॉर बोथ सोडियम एंड पोटेशियम. पर वो पोटेशियम आयन के लिए वो ज्यादा परमीएबल है और सोडियम के लिए कम. और इस कारण होगा क्या, जो ज्यादा सोडियम आयन है वो बाहर डिफ्यूज हो जाएंगे, हो रहे हैं देखिए, और लेस सोडियम आयन विल डिफ्यूज इनसाइड द एक्सोप्लाज्म और पोटेशियम ज्यादा बाहर जाएंगे. इसलिए जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो मेंटेन होता है. मूवमेंट इज विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन.
अब क्या देखेंगे कि अब जब स्टिमुलस आ जाता है, स्टिमुलस मैंने बोला कि वो हालांकि उसमें मिलियंथ पार्ट ऑफ सेकंड इन्वॉल्व होता है, कंडक्शन ऑफ द स्टिमुलस अलोंग अ नर्व फाइबर और एक्सॉन इट अकर्स विद इन द मिलियंथ पार्ट ऑफ सेकंड, पर वो जाएगा तो स्टेप टू स्टेप, वो जाएगा पहले इस पार्ट में फिर अगले में फिर अगले में जाएगा, ऐसे चाहे वो कितना फास्ट है। तो मैं यहां पर बता रहा हूं कि जब स्टिमुलस यहां पर आया तो ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन जो है वो डिपोलराइज हुआ। ड्यूरिंग डिपोलराइजेशन वी नो सोडियम आयन विल मूव मोर इनसाइड बिकॉज ऑन स्टिमुलस एप्लीकेशन, जब स्टिमुलस अप्लाई होगा तो जो न्यूरिलेमा है, जो नर्व फाइबर की मेम्ब्रेन है, ओके, वो सोडियम आयन के लिए ज्यादा परमिएबल हो जाती है और सोडियम आयन विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड एंड इट मेक द मेम्ब्रेन पॉजिटिव इनसाइड एंड नेगेटिव आउटसाइड, पॉजिटिव इनसाइड नेगेटिव आउटसाइड, and this segment is called depolarized. तो depolarization करें, ये depolarized exon है और बाकी अभी तक कितना exon polarized है। अब आप यहां पे देखें, अब stimulus यहां से यहां भी चला जाएगा, इस segment में चला जाएगा, ये segment जो है वो depolarized हो जाएगा और जो segment पहले depolarized हुआ था वो repolarized हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा है और maximum depolarization the membrane become permeable for potassium ion and the potassium ion start moving outside, और इसलिए बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव हो जाता है और ये depolarized exon हो जाता है, ये depolarized, ये depolarized और ये अभी तक यहां तो stimulus पहुंचा ही नहीं है इसलिए वो polarized है, is it clear? देखिए अब आप देखते हैं कि जब, यहां सुनिएगा, जब ये stimulus यहां से यहां जाए तो ये जो सेगमेंट है वो अब डिपोलराइज हो जाएगा, जो डिपोलराइज था वो रिपोलराइज हो जाएगा और जो रिपोलराइज था वो पोलराइज हो जाएगा, क्योंकि हमें तो पोलराइज मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करना है ना। सो अब जो डिपोलराइज है वो, मैं यहां पे कल बताया था आपको कि इतना सेगमेंट पोलराइज है, ये जो डिपोलराइज है वो वो रिपोलराइज हो जाएगा, रिपोलराइज एक्सॉन और जो री था वो द्वारा पोलराइज, इतना सेगमेंट पोलराइज हो जाएगा, आगे रिपोलराइज, धीरे धीरे ये रिपोलराइज भी क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। सो दिस इज द कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स अलोंग नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, इसमें माइलिन नहीं थी, इसलिए जब माइलिन नहीं थी, आप ध्यान से सुनिए, जब माइलिन नहीं है नर्व फाइबर के ऊपर तो मूवमेंट ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम कैन अकर कंटिन्यूसली ओवर होल ऑफ द न्यूरिलेमा और द मेम्ब्रेन ऑफ द नर्व फाइबर और एक्सॉन, एक्सॉन की पूरी मेम्ब्रेन में सोडियम और पोटेशियम अंदर और बाहर जा सकते हैं, वो परमिएबल हो सकता है। जो माइलिन में यहां पर बात कर रहा था, ये जो माइलिन है इट मेक द मेम्ब्रेन इम्परमिएबल फॉर सोडियम एंड पोटेशियम, एंड सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ द पोलराइजेशन पोटेंशियल एंड जनरेशन ऑफ द वेव ऑफ डिपोलराइजेशन। सोडियम और पोटेशियम ही तो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन क्रिएट कर रहे हैं, जब मेम्ब्रेन परमिएबल हो जाएगी सोडियम के लिए तो डिपोलराइज हो जाएगा, जब डिपोलराइजेशन हो बैठेगा तो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी जो है वो पोटेशियम आयन के लिए ज्यादा हो जाती है और वो मूव करते हैं तो डिपोलराइजेशन हो जाता है, फिर सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट होता है, फिर पोलराइज हो जाता है। लेट अस सी हाउ द नर्व इंपल्स विल मूव अलोंग और कंडक्ट अलोंग माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। मैं यहां पे नाउ टू द सेकंड पार्ट, इट इज अलोंग माइलिनेटेड एक्सॉन, लेट अस सी। देखिए बेटा, माइलिनेटेड नर्व फाइबर और एक्सॉन, माइलिनेटेड एक्सॉन के ऊपर और सॉरी माइलिनेटेड एक्सॉन और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन में जो डिफरेंस है, सॉरी इट इज माइलिन सी, जो बेसिक डिफरेंस है वो किस चीज का है, देखिए
I am drawing here a myelinated nerve fiber or myelinated axon. ये माइलिनेटेड ऑक्सीजन है, यहां पे माइलिन होता है और मैंने पहले भी कहा है माइलिन इज नॉट कंटिन्यूअस ओवर होल ऑफ द एक्सॉन, बीच में ऐसे गैप्स आते हैं जहां पे माइलिन प्रेजेंट नहीं होता है. सी हियर, now the nivelema extend over like this, forming the Schwann cells myelinated or non myelinated nerve fiber ka difference डिस्कस किया जा चुका है आपके साथ. व्हेन वी हैव डिस्कस द न्यूरॉन एंड एक्सॉन एंड साइटॉन, व्हेन वी हैव डिस्कस द न्यूरॉन एंड देयर पार्ट्स, देखिए मैं दोबारा एक बात आपको बताना चाहूंगा कि नर्व इंपल्स का मतलब है वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, और वेव ऑफ डिपोलराइजेशन जो है जिसे आप एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं वो जनरेट ही क्यों होती है, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ आयंस है वो हुई है. हमने पहले भी कहा है कि द आयनिक थ्योरी ऑफ नर्व इंपल्स. देखिए बेटा, अब वेव ऑफ डिपोलराइजेशन कहां पे पैदा हो सकती है, कहां पे जनरेट हो सकती है, वो आप पॉइंट्स देखें. क्योंकि यहां पे माइलिन नहीं है, या मैं यहां पे आगे चलता हूं, यहां पे माइलिन नहीं है तो यहां पे वेव ऑफ डिपोलराइजेशन जनरेट हो सकता है. यहां पे माइलिन है, यहां पे नहीं होगा, यहां पे माइलिन है, यहां पे नहीं होगा, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आयंस इज नॉट पॉसिबल हियर. फिर यहां पे क्योंकि क्या है बेटा, जो माइलिन है, माइलिन सीट इज नॉट प्रेजेंट, तो इंसुलेशन नहीं है, इसलिए वेव ऑफ डिपोलराइजेशन कैन जनरेट हियर एंड हियर, देन अगेन यहां नहीं होगा, फिर उसके बाद यहां पे. आपको पता है हमने यहां पे स्टडी किया है द पॉइंट्स वेयर द माइलिन सीट इज नॉट देयर, इट इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर. तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो नर्व इंपल्स है या तो यहां जनरेट होगा, है ना. सो द वेव ऑफ डिपोलराइजेशन इट विल जंप फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवियर टू अनदर नोड ऑफ रेनवियर, हो रहा है ना जंप. क्यों क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पे माइलिन नहीं है, यहां पे इंसुलेशन नहीं है, इसलिए सोडियम आयन अंदर मूव करेंगे, फिर पोटेशियम आयन मूव करेंगे. यहां पे पॉसिबल है ना सोडियम आयन का अंदर मूव करना, यहां पे सोडियम आयन जो है वो अंदर मूव कर सकते हैं, तभी तो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन होगा. उसके बाद यहां नहीं कर पाएंगे, फिर यहां कर पाएंगे, और पोटेशियम बाहर यहां से जा सकते हैं डिपोलराइजेशन के लिए, और डिपोलराइजेशन के लिए सोडियम यहां पर अंदर आ सकते हैं, और पोटेशियम बाहर जाएंगे डिपोलराइजेशन के दौरान. ठीक है, तो वो सारे का सारा प्रोसेस सिर्फ नोड ऑफ रेनवियर पे ही पॉसिबल है. और ये जो द आई कैन से द वेव ऑफ डिपोलराइजेशन विल जंप ओवर फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड ऑफ रेनवियर, सच काइंड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स इट इज नोन एज साल्टेटरी, इट्स नोन एज द साल्टेटरी कलेक्शन ऑफ नर्व इंपल्स. तो वेरी सिंपल इट इज, साल्टेटरी कनेक्शन ऑफ नर्व इंपल्स. हमने अब देखा
कि जो माइलिनेटरी नर्व फाइबर्स हैं उनमें जो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन है वो कंटिन्यूसली जनरेट होती है और कंडक्ट होती है ऑल ओवर द नॉन माइलिनेटरी नर्व फाइबर. बट ऑन माइलिनेटरी नर्व फाइबर देर इज अ साल्टेटरी कनेक्शन. इन साल्टेटरी कनेक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स देर इज जंपिंग ऑफ द नर्व इंपल्स फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवियर टू द अनदर नोड ऑफ रेनवियर. इन बिटवीन द टू नोड ऑफ रेनवियर देर इज एन इंसुलेशन इन द फॉर्म ऑफ माइलिन शीथ. अब देख पा रहे हैं ये माइलिन शीथ जो है ये इसको कंटिन्यूस नहीं होने देती. सो माय डियर फ्रेंड्स द नर्व इंपल्स विल बी कनेक्टेड अलोंग माइलिनेटरी एक्सॉन इन अ साल्टेटरी और जंपिंग मैनर. इज इट क्लियर और नॉट? सो दिस इज द कनेक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स एट माइलिनेटेड और अलोंग माइलिनेटेड एक्सॉन. दिस इज फॉर ऑल फॉर द टुडे डिस्कशन. We will meet with you in the next discussion and we will learn that how the impulse connection, nerve impulse will be connected along or over synapse where the synaptic fluid is present. Till then, bye to all. Kindly subscribe my YouTube channel Biology at Fingertips with DJ and press the bell icon for more and more videos. Bye to all. Thank you.